चाबियाई एयरपोर्ट का जो मैप है वो मैप हमारे लिए अभी ये सब जो कि हम सुने हैं कि एयरपोर्ट को लेकर जो कि मैप से आई है कि मतलब ये ब्लॉक से मतलब आप लोग को मिला है। तो दोस्तों सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं जो कि साबे एयरपोर्ट के लाइटिंग पॉइंट पे। जैसा कि आपको बताया कि अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि अभी जो कुछ यहाँ के हथुआ प्रखंड के जो कि अंचल अधिकारी आकर यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि तो जब भी कोई नई अपडेट आती है साबिया एयरपोर्ट से लेकर, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूँ कि इसमें जो कि काम यहाँ के एयरपोर्ट के कार्य में कुछ प्रगति आई है, और वो प्रगति क्या है वो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम लोग एक जो कि साबिया एयरपोर्ट के बाढ़िया, इसको बोलते हैं, बाढ़िया में है, और बाढ़िया में समझिए कि यहाँ पर जो कि कुछ डिफरेंस के आदमी, कुछ जिला के आदमी आए हैं और यहाँ जो कि जमीनी स्तर से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ काम हो रहा है एयरपोर्ट को लेकर। यानी जो कि आपको अपडेट बताए कि नई अपडेट आई है, वही अपडेट हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि हमारे साथ आप बने रहिएगा और हम आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अभी यहाँ पर वो क्या अपडेट चल रही है और जो कि एयरपोर्ट से लेकर। तो आइए हम साथ में चलते हैं, आप देख सकते हैं इधर इधर से दिखा, इधर से आ जाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि अंचल के अधिकारी आए हैं और जो कि जमीनी स्तर से आपको बोले कि मतलब कि यहाँ के जो मैप है साबिया एयरपोर्ट का जो मैप है वो मैप देख रहे हैं, और मतलब कि कितना एकड़ में कहाँ ज़मीन है वो सब जानकारियाँ अभी जो कि यहाँ के अमीन आकर जो कि अंचल के आकर चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी नक्शा है, और कैमरा पर्सन से चाहेंगे ये सब थोड़ा नज़दीक से आकर दिखाए, और आप देख सकते हैं कि अभी ये नक्शा है और समझिए कि ये सभी जगह का जो कि ज़मीन कहाँ कहाँ पर क्या क्या है वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी इस साबिया एयरपोर्ट के कार्य में जो कि बढ़ोतरी हो चुकी है और काम प्रगति पर है, तो साथ हमारे बने रहिएगा। सर थोड़ा दूर समय दीजिए ना सर, सर तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो जमीनी स्तर से होता है वो थोड़ा सर थोड़ा एक मिनट समय दीजिए ना, थोड़ा एक मिनट समय दीजिए हमारे लिए। अभी ये सब जो कि हम सुने हैं कि एयरपोर्ट को लेकर जो कि मैप तैयार हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? ये अभी सर्वे हो रहा है, इसका जो एक्वायर हुआ है ना पहले का डिफेंस लिया है उसी को जो है कि हम लोग अच्छा। अपना नक्शा पर उतार रहे हैं। अच्छा। ये जो ये नक्शा आज से मतलब कि सर बस कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, मतलब कि ये जो नक्शा दानापुर से आई है कि मतलब ये ब्लॉक से मतलब आप लोग को मिला है, कहाँ से मिला है ये नक्शा? जो आया है दानापुर से आ गया है। हाँ आ गया है। हाँ, उसी नक्शा को हम लोग अपने नक्शा पर गाँव वाइज मैप पर उतार रहे हैं। तो अभी मतलब कि हम कल से आपका अपडेट देखे हैं, तो कल से अभी तक मतलब कि क्या कुछ बढ़ोतरी हुआ नक्शा में? हाँ, कितना काम हो चुका है? थोड़ा बहुत 7 गांव का नक्शा जो है मैप हम लोग बना लिए हैं। 7 गांव का? 7 गांव का। कल में कल भर में कितना बना था? मतलब कल बना था 5 गांव का। 5 गांव का बना। हाँ, आज हम लोग 7 गांव तैयार कर दिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि समझिए कि अभी सात गांव का जो कि मैप तैयार हो चुका है, और सात गांव का मैप तैयार करने में सर हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आखिरी बार जो कि 1962 में इसका उपयोग किया गया था चीन के दौरान, और समझिए कि चीन के दौरान में काफ़ी ऐसा जो ज़मीन है जो कि बहुत सारे लोग रसीद नहीं कटाते हैं, और वैसा ज़मीन ऐसा कुछ मिला है क्या इसमें अभी तैयार किए हैं तो? अभी वो रिकॉर्ड जो है कि अभी अब रिकॉर्ड से मिलान करने पर पता चलेगा। हाँ, आप लोग का कितना मतलब आप लोग का ये यहाँ पर क्या काम है आखिरी तक, मतलब कि खाली मैप तैयार कर लेना है क्या? नहीं, मैप तैयार करना है, चिन्हित करना है हर प्लॉट को, यही हम लोग का काम है। हाँ, अच्छा, जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल पूछेगी आपसे, थोड़ा आप इधर दिखाइए। सबसे पहले हमको आप एक बात बता दीजिए सर, थोड़ा एक मिनट, हम सबसे पहले आप एक बात बता दीजिए कि मतलब कि अभी ये कहाँ कहाँ मतलब कितना रेंज में मतलब कोई गांव आएगा इस मैप में, कोई गांव इस एयरपोर्ट के मैप में आपके अनुसार, मतलब एक अनुभव? 11 गांव है अभी तक। 11 गांव? 11 गांव में यानी 570 एकड़ का पूरा जमीन है क्या? अब 517 एकड़ है या उससे अधिक भी हो सकता है? नहीं, ऐसे डाटा के अनुसार मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, लगभग हो जाना चाहिए था उतना। इतना हो जाना चाहिए। इसके बारे में मतलब ये आपको कुछ जानकारी है सर कि मतलब कि कितना एकड़ में मतलब कि एयरपोर्ट बनेगा? ये तो हमको जानकारी, 473 एकड़ में, 473 जो लिस्ट आया है नहीं, कुछ दिन पहले हम 317 सुने थे, इसीलिए मतलब हम जानकारी ना 473 एकड़ जमीन का अभी प्रस्ताव आया है। कितना दिन में सर ये तैयार हो जाएगा मतलब आपके अनुसार? मतलब फिर भी एक काम का मान लीजिए, जैसे कल 5 गांव हुआ था, आज 7 गांव हो गया, तो ऐसा में एक अनुमान होगा ना सर कुछ? अभी काम पर लगा हुआ है, देखिए ना कितना दिन हो रहा है, समझे? अभी तब हम लोग नहीं बता सकते हैं कितना दिन अभी लगेगा इसमें मैपिंग में। मैपिंग हो जाने के बाद हम लोग प्लॉट पर जाएंगे। दोस्तों देख लीजिए जो कि अभी साबिया एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए हम आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे बने रहिए। और देख लीजिए दोस्तों, वही जो कि आपको हम वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि 1962 में जहाँ से जहाज टेक ओवर करती थी, तो साथ हमारे बने रहिएगा और देख लीजिए पूरा, समझिए कि 1962 से लेकर अभी तक वैसा ही का वैसा ही समझिए कि पड़ा था, लेकिन हाँ अब लगता है कि जो कि साबिया एयरपोर्ट का कार्य चालू हो जाएगा। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि जो मेन जो कि लाइटिंग पॉइंट है, और यही जो कि साबिया एयरपोर्ट का जमीन है, और इस पर बहुत जल्दी जो कि आपको बता दूं कि अब इस पर भी जहाज दौड़ने लगेगी, जैसे कि हर बिहार के एयरपोर्ट में दौड़ती है वैसा ही यहाँ पर भी दौड़ने लगेगी। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ का अगर हर पल की जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों बता दूँ कि मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है, और इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।